नमस्कार, मैं आपका दोस्त अर्पित दुबे। आज आप लोगों के लिए कैलेंडर की एक और ट्रिक लेकर के आया हूं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाकर और वीडियो देख सकते हैं। कैलेंडर की दो ट्रिक अपलोड हैं जिसमें आप किसी भी तारीख का दिन निकाल सकते हैं, कब कैलेंडर कोई रिपीट होता है ये आप बता सकते हैं। आज थोड़ा समय फिर निकाल करके एक छोटा सा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर के आया हूं जिसमें आप कैलेंडर के दो सवाल देखेंगे यदि पर आधारित। अगर किसी भी सवाल में आपसे कहा जाए कि यदि, तो यदि का मतलब होता है कि उसने ये मान लिया है। जरूरी नहीं कि जो तारीख दी गई है उस तारीख को ये दिन हो आपका। तो इन टाइप को सवालों को कैसे हल करते हैं, तो आप पूरा ध्यान दीजिएगा वीडियो पर और लास्ट तक देखिएगा और इन टाइप के सवाल आप लोग हल करेंगे, उम्मीद तो यही रहेगी। तो वीडियो शुरू करते हैं। सबसे पहले यहां पर सवाल दिया गया है, 18 मार्च 1935 को शुक्रवार था। इस शब्द लगाया गया है यदि, इसका मतलब है उसने मान लिया है कि 18 मार्च 1935 को शुक्रवार था। उसी के अकॉर्डिंग वो पूछना चाह रहा है कि 18 मार्च 1949 को कौन सा दिन होगा। दूसरा सवाल भी सेम इसी तरीके का है, तो पहले हम लोग इस सवाल को समझते हैं फिर उसके बाद उसकी बात करेंगे। तो जब भी कभी भी इस टाइप का सवाल आए तो आपको करना क्या होता है, 18 मार्च 1935 को शुक्रवार था, कहा गया है 18 मार्च 1949 को कौन सा दिन होगा, तो डेट और डेट अगर सेम है तो उनको आप कट कर दीजिएगा, मंथ और मंथ सेम है तो उसको आप कट कर दीजिएगा। उसके बाद आपको बस ये देखना होता है कि इन वर्षों में अंतर कितने का है। जैसे यहां पर हम देख रहे हैं इन दोनों वर्षों में जो अंतर है आपका, तो 1935 और 1949 में अगर अंतर हम देखें तो आपका 14 का होगा, ठीक है, तो अंतर हो गया आपका 14 का। प्लस लीप वर्षों की संख्या, अब सबसे बड़ी समस्या है कि लीप वर्ष कैसे देखे जाएं, तो इसकी बहुत आसान सी ट्रिक है, मैं आपको बता देता हूं। पहले बेसिक तरीका बता देता हूं फिर उसको ट्रिक के माध्यम से बता देता हूं। बेसिक तरीका यह है कि कम से ज्यादा की तरफ, तो 35 से 49 की तरफ चलना है, तो 35 लीप वर्ष है नहीं, 36 लीप वर्ष है। पहला लीप वर्ष आपको मिला 36। लीप वर्ष का हमें पता है कि जिसमें 4 का भाग चला जाए, शताब्दी वर्षों को छोड़कर शताब्दी वर्ष वह लीप वर्ष होते हैं जिसमें 400 का भाग जाता है। तो 36 में अगर 4 का भाग जा रहा है तो 4 अगर हम ऐड कर देंगे तो 1940 में भी जाएगा, 1944 में भी जाएगा, 1948 में भी जाएगा, 1952 से मतलब नहीं क्योंकि 49 तक जाना है। तो 36, 40 और 44 और उसके बाद 48, इसका जो टोटल जो लीप वर्ष हमें मिले हैं वो मिले हैं 4। प्लस यहां पर हम लिख देंगे 4, फिर एक बार समझ लेते हैं। डेट अगर सेम है तो कट कर दिया, मंथ अगर सेम है तो कट कर दिया, वर्षों में अंतर देखा कितने का है, तो वर्षों में अंतर है 14 का। उसके बाद लीप वर्षों की संख्या देखी, कम से ज्यादा की तरफ 35 से 49 की तरफ 36, 40, 44 और 48, लीप वर्षों की संख्या है 4, इन दोनों को प्लस कर दिया तो 14 और 4 आ गया 18। अब एक चीज आप ये देखिएगा कि जो 18 आया है, कैलेंडर में कभी भी बाद की बात पूछी जाए तो प्लस करना होता है और पहले की बात पूछी जाए तो माइनस करना होता है। जैसे यहां पर 35 दिया है, 49 पूछा है, तो सिंपल सी बात आप समझ सकते हैं, बाद की बात है। तो शुक्रवार में हमें प्लस 18 करना है। अब प्लस 18 करेंगे तो बहुत समय लग जाएगा, तो यहां पर जब भी संख्या आपकी 6 से अधिक दी जाए तो आप उसमें 7 से भाग दे करके शेष पता लगा लेंगे, उतना ऐड कर दो या 18 ऐड कर दो सेम बात आएगी। जैसे हमने यहां पर 18 में 7 का भाग दिया तो 7 × 14 कट हो गया, बचा कितना 4। तो आप सिंपल सा शुक्रवार में अगर प्लस 4 कर दो तो आंसर आ जाएगा। शुक्रवार में अगर हम प्लस 4 करेंगे तो +1, +2, +3 और +4, तो आपका सिंपल सा आंसर यहां पर आ जाएगा मंगलवार, क्योंकि शुक्रवार 5 होता है, 5 में 4 ऐड करेंगे तो 9 हो जाएगा और 9 का मतलब 2 होता है क्योंकि 7 का मतलब 0 है आपका। सेम प्रोसीजर ये है, डेट डेट सेम है, मंथ मंथ सेम है, बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटानी है। अंतर देखा हमने दोनों में कितने का है, तो 71 और 63 में अंतर अगर हम देख रहे हैं तो बहुत छोटा सा अंतर है, वो अंतर है 8 का। इसके लीप वर्ष की संख्या, अब लीप वर्ष की संख्या निकालने का तरीका भी हमने बताया था, कम से ज्यादा की तरफ, तो कम है 63, चलना है 71 की तरफ। 1963 लीप वर्ष है नहीं क्योंकि 4 का भाग नहीं जाता है, 64 में जाता है। जैसे ही एक लीप वर्ष मिले आप फिर +4 कर दीजिएगा, फिर मिल जाएगा। तो 64 में +4 किया आपका आ गया 68,
68 में प्लस 4 किया 72, 72 तक जाना नहीं है तो लीप वर्ष मिले आपको मात्र 2। 8 और 2 को अगर आप प्लस कर देंगे तो 8 और 2 का मान जो आएगा वो आपका आएगा 10। सिंपल सा। अब बात वही जो अभी हमने यहां पर समझाई थी कि संख्या अगर 6 से अधिक आए तो आप मत उतना ऐड करें, बहुत समय लग जाएगा। आप 10 आया है, 7 का भाग देकर के शेष पता लगा ले, तो शेष यहां पर बचेगा आपका 3। अब बात आई कि इस 3 को प्लस करना है कि माइनस, तो सिंपल सी बात अभी बताई थी कि अगर बाद की बात है तो प्लस करना है, पहले की बात है तो माइनस करना है। तो दिया गया है 71, पूछा गया है 63, तो 71 से पहले 63 आएगा। तो शनिवार से आप अगर माइनस 3 करोगे तो आंसर आएगा आपका बुधवार, क्योंकि शनिवार होता है 6 और 6 से अगर 3 माइनस करेंगे तो 3 आएगा, 3 का मतलब बुधवार। अभी हमने थोड़ी देर पहले आपको बताई थी कि लीप वर्षों की संख्या आप कैसे जाने शॉर्ट ट्रिक से, तो यहां पर अंतर बहुत कम का है, तो कम अंतर अगर होता है तो लीप वर्ष हम लोग आसानी से जान सकते हैं, लेकिन अगर अंतर यही बहुत दे दिया जाए तो कैसे जानेंगे कि लीप वर्षों की संख्या उन दोनों के बीच कितनी है। यहां तो हम लोग सिंपल सा 63 के बाद 64 और 68 कर लिया, यही अंतर 50 साल का होता, 70 साल का होता, तो अगर हम लोग इतना करते तो बहुत समय लग जाता। तो उसकी भी एक आसान सी ट्रिक है, इसी वीडियो में हम लोग देख लेते हैं कि जब बहुत अंतर होता है तो कैसे जाने कि यहां पर लीप वर्षों की संख्या कितनी होगी। ठीक है, तो उसको भी एक आसान विधि से बता देते हैं, पहले इसको एक बार थोड़ा फिर रिपीट कर देते, देख लीजिएगा। डेट और डेट सेम है कट कर दिया, मंथ और मंथ सेम है कट कर दिया, बड़ी संख्या से छोटी संख्या हमने घटा दी, तो बड़ी संख्या से छोटी संख्या घटाई, अंतर आया 14 का। लीप वर्ष का बेसिक मेथड अपनाया, 36, 40, 44 और 48 चार आया, 14, 4, 18, 18 जोड़ेंगे तो भी आंसर वही आएगा, लेकिन 18 ना जोड़े, उसको कम कैलकुलेशन करें तो 7 का भाग दें तो 2, 7, 2, 14 पूरा कट हो गया, बचा शेष कितना 4। ये जो लिखा हुआ है 4, ये शेष है, हमें शेष जानना होता है, 7 से 7, 7 से शेष, 7 का भाग देना है आपको सिंपल सा। जो 4 शेष बचा है, इस 4 को आप क्या कर दीजिएगा, शुक्रवार में प्लस, शुक्रवार होता है 5, 5 में अगर हमने 4 प्लस किया तो 5, 4, 9, 9 का मतलब 2 होता है, 7 का मतलब 0 होता है। तो यहां पर दूसरी बात जो है, दूसरे में भी सेम प्रोसेस वही थी जो हमने किया, 12 से 12, नवंबर से नवंबर, 71, 63 में अंतर आया 8 का। लीप वर्षों की संख्या जानने के लिए बेसिक मेथड अपनाते हैं, 64, 68, 2, 8, 2, 10, 7 का भाग दिया, शेष बचा आपका 3। अब शनिवार से 3 माइनस करना, तो शनिवार होता है 6 और उसमें से 3 माइनस किया तो आया आपका बुधवार। ठीक है, तो उसके बाद अब आपको जो एक शॉर्ट ट्रिक मैंने अभी बताई थी आपको कि उसके बारे में बताना चाहूंगा, तो इस वीडियो को आप लोग देखते रहिएगा लास्ट तक और इन चीजों को एक बार समझने की कोशिश करिएगा। मैं इसको रफ कर रहा हूं और बताना चाह रहा हूं कि आपको लीप वर्षों की संख्या बहुत बड़ा अंतर दिया जाए तो किस शॉर्ट ट्रिक विधि से हम उसको हल करेंगे। ठीक है, तो इसको मैं रफ कर रहा हूं। अभी जो हमने बात करी थी कि आसान तरीका शॉर्ट ट्रिक मेथड से कैसे जाने के अंतर बहुत है और लीप वर्ष कितने, तो जैसे मैं एक सिंपल सा सवाल लिख रहा हूं कि 10 मार्च 1931 को मैंने मान लिया मंगलवार था, ये माना जाता है, कहा जाता है यदि। ठीक है, यहां पर अगर यदि लिख दिया गया है तो इसका मतलब यह है कि उसने ये बात मानी है, जरूरी नहीं है कि 1931 को मंगलवार हो। फिर उसने कहा कि बताइए तो 10 मार्च 1971 को कौन सा दिन होगा। अब बात यह आई कि इनके बीच का अंतर आप देखिएगा कितना है, अंतर जो है वो है आपका कितने का, 40 का प्लस लीप वर्षों की संख्या। अब वही बात आएगी, आप लोग कहेंगे कि सर इतना लंबा प्रोसेस है, 32 फिर 36 फिर 40 फिर 44, बहुत समय लग जाएगा आपको। तो वही आसान विधि जो आपकी है कि जब अंतर बहुत ज्यादा का हो, ये तो 40 का अंतर, इससे बड़े बड़े अंतर आते हैं, तो लीप वर्ष निकालने की एक शॉर्ट ट्रिक विधि है। बहुत से बच्चे कहते हैं कि सर इसमें 4 का भाग दे दो तो लीप वर्ष आ जाता है, कभी कभी अगर किस्मत अच्छी है तो आ जाता है, लेकिन जरूरी नहीं कि आ जाएगा। ठीक है, तो इसकी एक शॉर्ट ट्रिक विधि है, वो विधि ये होती है कि जो वर्ष दिया जाए, कम वाले को देखें तो यहां पर 1931 है, ज्यादा वाला 1971 है, 1931 के बाद पहली बार लीप वर्ष कब आया होगा, तो वो आया है 1932 में। 1931 के बाद की बात कर रहा हूं, तो 31 के बाद 32 में लीप वर्ष मिल गया।
यही बात हम 1971 में अप्लाई करते हैं, 1971 के बाद पहली बार कब लीव पर्स आया होगा तो वो होगा 1972। इन दोनों का अंतर देखा जाता है कितना है, 40। किस्मत अच्छी थी दोनों का अंतर सेम आ गया है। अभी मैं एक दूसरा सा उदाहरण लिखूंगा वहां पर बात फंस जाएगी। जो ये अंतर आया है इसमें चार का भाग दे करके देखिएगा कितनी बार जाता है, जितनी बार पूरा चला जाए वही लीप वर्षों की संख्या है। तो 40 और 10 अब 50 हो गया, सेम प्रोसेस जो अभी हम लोगों ने हल करी थी, तो 50 आया। 31 दिया, 71 पूछा। अभी मैंने कहा था अगर बाद की बात पूछा करे तो प्लस कर दिया करो, पहले की बात पूछा करे तो माइनस। तो 31 दिया है, 71 पूछा है, सिंपल सी बात है आप समझ सकते हैं। 31 से 71 की तरफ चलेंगे तो बाद हुआ, तो मंगलवार में अगर प्लस 50 करेंगे तो शायद बहुत समय लग सकता है। आप सिंपल सा फिर वही तरीका अपनाएंगे, सात का भाग देंगे और शेष पता लगाएंगे, तो शेष यहां पर बच रहा है आपका एक। अब ये कि ये प्लस करना है या माइनस, उम्मीद करता हूं कि अब बात समझ में आ रही होगी, बाद की बात करी गई है तो प्लस वन हो गया। मंगलवार में प्लस वन करेंगे तो आंसर आ जाएगा आपका बुध। अभी हमने बताया था यहां पर क्या आ जाता है कि यहां पर भी 40 है, यहां पर भी 40 है, तो बात तो आपकी सही हो गई है, ठीक है। लेकिन कभी कभी क्या होगा कि यहां पर अंतर कुछ और आ रहा होगा, यहां पर अंतर कुछ और आ रहा होगा, लेकिन जो लीप वर्ष आपके निर्धारित होंगे वो इस अंतर से होंगे। यहां पर इसमें भी चार का भाग देते तो भी 10 आता, वो बात अलग थी। लेकिन आप बहुत से ऐसे प्रश्न होंगे जिसमें आप अगर यहां चार का भाग दे रहे हैं तो लीप वर्षों की संख्या आपकी गलत निकलेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको शुरू से अब तक पूरी बात समझ में आई होगी, ठीक है। आप वीडियो को एक दो बार देखें इस वीडियो को जरूर, और इस टाइप के सवालों को हल करने की जरूर कोशिश करें। जैसे ही समय मिलता है मैं और अन्य वीडियो लेकर के आता हूं, जितना समय मिलता है आप लोगों के लिए। आशा करता हूं कि आप लोगों को ये चीजें सब समझ में आ रही होंगी। प्ले लिस्ट में जाकर आप लोग और वीडियो देख लीजिएगा, और अच्छा लगे तो लाइक शेयर भी कर दीजिएगा। धन्यवाद।